अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टोरंटो। आज हमारा कनाडा का ट्रिप का जर्नी है स्टार्ट, और आज हम जा रहे हैं अभी लंदन एयरपोर्ट। स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट पकड़नी है, और बारिश देखें एज़ यूजुअल, अगस्त का टाइम है और 2-3 तारीख है, आज 4th of August है, और देखें यहाँ पे बारिश हो रही है, और अभी भी 30 मिनट का रास्ता रह गया है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट। वेयर वी आर गोइंग? कनाडा? हैं बताओ 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 ना, शर्मा क्यों रहे हो? बताओ कनाडा टोरंटो यश 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 बहुत है ना बिग, वो उधर बता रहा है प्लेन, वो देखो प्लेन वहाँ पे बताए कब हमारा पीएन था आएगा, वो देखो उधर आएगा, हाँ 11:30 पे आएगा, तो देखो 11:30 जी। बहुत ही इजी पीजी प्रोसेस था स्टैनस्टेड एयरपोर्ट का। सिक्योरिटी हमने की सीधा, क्योंकि चेक इन तो हमारा ऑनलाइन हो चुका था, तो सीधा सीधा हम यहाँ तक पहुँच गए हैं डिपार्चर में। देखें क्या शहर है क्या मुल्क है कि बग़ैर पासपोर्ट चेकिंग सीधा सीधा आप सिक्योरिटी पास करके इधर आ जाओ, सिर्फ बोर्डिंग पास देखने होते हैं। झूले ले रही है, कहाँ जा रही है? बस बस ऑन स्क्रीन, वो देखो टनल आ रहा है, टनल आ रही है। बेबी कहाँ जा रहा है? टोरंटो? ये होटल, होटल तो टोरंटो में है। ये देखें जी विंडो सीट लेती है, और ये देखें जी आ रही है। फ्रोजन है, फ्रोजन लेक है, ये देखो स्नो है, ग्रीन लैंड है, ये ग्रीन लैंड फ्रोजन लेक, देखो सब फ्रीज है, एवरीथिंग फ्रीज, ब्यूटीफुल। हेलो गाइस, आज न्यू डे है और पहला दिन है मेरा कनाडा में, और आज हम जा रहे हैं नियाग्रा फॉल्स, और बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए सनी वेदर, लवली वेदर है, और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, और अब ज़रा नीचे कुछ नाश्ते वगैरह के इंतज़ाम के लिए हम जा रहे हैं, और फिर हम इंशाल्लाह नियाग्रा फॉल निकलेंगे। Wow.
हमने डिसाइड किया क्यों ना अभी पहले यूएस देख ले, और फिर हम बॉर्डर पे लाइन में लग गए। और यहाँ पे बिल्कुल ही आउटडेटेड प्रोसेस था कि लाइनों में लग लग के आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था। नॉर्मली यूरोप में तो बिल्कुल बॉर्डर ओपन होते हैं और काफ़ी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वहाँ पे। नियाग्रा फॉल हमने दूर से देखी जी, अमेरिका की अनारकली है, नियर बफलो न्यूयॉर्क। वेलकम टू न्यूयॉर्क द एम्पायर स्टेट। अमेरिका एंटर होते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम 1800 सदी के किसी शहर को देख रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स, 400 पुरानी साल पुरानी बिल्डिंग जिसे लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और काफ़ी गुर्बत देखी मैंने अमेरिका की स्ट्रीट्स पे, न्यूयॉर्क पे ख़ास तौर पे। और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा, हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र किया। और उसके बाद मेरा फिर यही मूड था, मुझे कैनेडा बहुत पसंद आया था एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यू टर्न लो और वापस आई वांट टू गो टू नियाग्रा फॉल अगेन। ये देखिए बेबी क्या कर रहा है, कितनी बिग फिश है, वो भाग गया। Hey, Mr. Adi. पूरा ये भी यहाँ पे हम रह सकते हैं। जी ये नियाग्रा फॉल की सबसे स्पेशल प्लेस है, रेन फॉरेस्ट कैफ़े। ये आप जब भी नियाग्रा फॉल आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, रेन फॉरेस्ट कैफ़े। ये मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया है और वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइफ को, फैमिली को, सबको लेके आता है। और बहुत ज़बरदस्त स्टफ टॉय, हर चीज़ है। और यहाँ पे बेसिकली थीम जो है वो रेन फॉरेस्ट का सारा दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रॉपर रेन भी होती है और हर चीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा सेकंड डे है कनाडा में और आज हम आपको नॉर्थ हिल्स, यहाँ का वन ऑफ द टॉप कनेडियन स्टोर दिखाएंगे, प्राइसेस दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना 4.49 आप कैसे कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। थोड़ा सा ग्रोसरी की प्राइस ऊपर है क्योंकि कनाडा काफ़ी दूर है, मे बी जियोग्राफिकल रीजन की वजह से। लेकिन इवन बेसिक जो ब्रेड्स हैं ये सब भी आपको तकरीबन 5.49 तक की मिलेगी। $5.4 मीन्स 3 pounds तकरीबन, 3.something pounds की जो ब्रेड है बहुत महंगी है वहाँ पे। तो 89 pence की, अंडर 1 pound आपको बहुत ज़्यादा ब्रेड्स मिल जाती हैं और काफ़ी बड़ा है ओवरऑल। ये देखें वैसा ही जैसे सऊदी अरब मिडल ईस्ट में होता है, खुला खुला सब चीज़ें रखी होती हैं, वैसे इनकी मैनेजमेंट है, सब चीज़ें हैं। और ये टमाटोज़ देखें 1.99 पर एल बी, वाइन टमाटोज। तो तकरीबन ऑल इन ऑल पैसे तो सिम्स हल्के फुलके थोड़े से ऊपर हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना प्राइसेस वो इंग्लैंड से थोड़ा सा अप है इनकी ग्रोसरी। और ये अभी सबसे चीपेस्ट स्टोर है कनाडा का। जैसे ये देखिए $5 का आपको ये मिल रहा है मफिन बॉक्स, और वहाँ पे 3 pounds का आपको मफिन ठीक ठाक बड़ा बॉक्स मिल जाता है। और ये देखें बहुत अच्छा है। आज हमारा प्लान बेसिकली है और डाउनटाउन जाएंगे, वहाँ मेरे सर हैं और मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने मिलना है। तो सी यू देयर देयर। जी वी आर इन डंडा स्क्वायर और ये काफ़ी बिजी, जैसे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में है और ट्रफाल्गर स्क्वायर लंदन में है, बिल्कुल ऐसे ही ये डंडा स्क्वायर कनाडा में है। और ये ईडन टावर, ईडन शॉपिंग मॉल है बिल्कुल पास। और ये साइट सीइंग बस देख रहे हैं और अभी हमने डंडास देखने हैं और उसके बाद हमने शॉपिंग मॉल और आगे भी जाएंगे, सीएन टावर वगैरह सब देखेंगे। सी यू देयर।
मिठाई। ये टोरंटो का सेंट्रल प्लेस, जहाँ पे ठंड में आपको आइस स्केटिंग यहाँ पे होती है और क्रिसमस मार्केट सब चीज़ें यहाँ पे लगती हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। आइलैंड हम आ गए हैं और $9 की यहाँ पे टिकट है पर एडल्ट और $4 की टिकट है बच्चे की। और अब हम सेंट्रल आइलैंड देखने लगे हैं फर्स्ट टाइम गेट सेट को। फेरी का ट्रिप बहुत ज़बरदस्त रहा। फिर हम मिसिसागा फूड स्ट्रीट पे गए, जो एक बहुत ही खूबसूरत नई बनी है, और वहाँ पे ज़बरदस्त अफगानी फूड खाया। जी गाइस, आज हम टोरंटो ज़ू जा रहे हैं। प्योर बच्चों का वो सारा प्लान है और बच्चों के लिए आज हम ज़ू जाएंगे और सारा दिन वहाँ स्पेंड करेंगे। और टिकट्स मुझे तकरीबन $180 की पड़ी हैं हम चारों की, और ज़रा एक्सपेंसिव हैं पैसे। लेट्स आई एम होपिंग कि फिर भी अच्छा ज़ू होगा। और जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल इस्तांबुल तर्ज की है, लेकिन इस्तांबुल ज़्यादा बेहतर है ट्रांसपोर्ट में। तो कनाडा का ज़रा ट्रांसपोर्ट ज़रा बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। और अब हमने ये बस लेनी है। ट्रैम्स एंड DLR की तो शदीद कमी है यहाँ पे। लंदन में 6 किस्म की ट्रांसपोर्ट चलती है और यहाँ पे तकरीबन अभी 2 या 3 टाइप्स की ट्रांसपोर्ट है। ग्रो कर रहा है कंट्री, अभी डेवलप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत ज़्यादा अभी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आई जिस तरह यूरोप में है। और ये मैंने एक चीज़ नोट की है। और बसेस भी काफ़ी पुरानी हैं और तकरीबन, और बस के ड्राइवर भी काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं कि वो प्रॉपर बिल्कुल खींच के ब्रेक लगाना और खींच के चलानी। तो ये सब चीज़ें उधर बहुत नीट एंड क्लीन है, तो ये ज़रा डिफरेंट है। तो मैं तो सीधा सीधा रिव्यू दूंगा, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छा बताऊंगा, जो बुरी चीज़ है वो भी बताऊंगा। तो लेट्स सी के ज़ू कैसा होता है। ये देखें जी, एक्साइटेड चेक करें ज़ू का। ये बेबी के पास पूरा मैप है ज़ू का। आर यू रेडी? ये जी, वेलकम टू टोरंटो ज़ू। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये ज़ून सारे हैं, अफ्रीका ज़ू, अमेरिका ज़ू, ये सारे अब हम देखेंगे। और ये बहुत बड़ा 15 किलोमीटर पे ये सारा ज़ू है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। और वी आर जस्ट स्टार्टेड एंड वी विल सी यू, वी विल शो यू द नेक्स्ट स्टॉप व्हिच इज अफ्रीका, इंडो मलाया एंड कैनेडियन डोमेन। जो हम वेरी बिग ज़ू, द बिग, ये काफ़ी बड़ा ये ज़ू है। और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इंडो मलाया, ये पहला सेक्शन है। और इधर जाके अब हम देखेंगे, और ये देखें बेबी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो एंड चेक करते हैं इधर क्या है। लैमर समर होम फर्स्ट। वेयर इज बर्डी? ये बर्डी है, ये मंकी है। वो देखें जी, मंकी के साथ बर्डी। यस, जी ये इंडो मलाया पेविलियन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज होंगे और आई होप स्विट्जरलैंड ज़ू की तरह ज़बरदस्त टच हो। औरंगा टाउन, आर यू हैप्पी? यस, चलो लेट्स गो फॉर औरंगा टाउन। वो सामने औरंगा टाउन, लेट्स गेट सेट गो। वो देखो औरंगा टाउन, ऊपर ऊपर है औरंगा टाउन।
ये देखें जी एलिगेटर, ब्यूटीफुल एलिगेटर फेस। ये देखें बेबी बेबी एलिगेटर, वो देखें एलिगेटर ब्यूटीफुल। ये देखें जी ब्यूटीफुल एलिगेटर जो मेरे बच्चे ने स्पॉट किया, बड़ा हिडन रखा हुआ था और वेरी वेरी बिग और ज़बरदस्त। और आरिस भी बहुत एक्साइटेड है देख के। इधर इधर ये देखे जी औरंगा टाउन आया और ये खा के जा रहा है। ये देखे अभी पूरा नहीं खाया उसने और ये अब ऊपर जा रहा है। Oh, yeah. Like, did they use it as like a boat or like a floaty? Have you ever used a floaty at the pool? Like, do they go in the water? They don't like water. I think it's a baby. Look at the baby. Yeah, Red River Hawk. जब हम आए तो लायन साहब बिल्कुल सो रहे थे लंबी तान के सारे के सारे। क्लोज एनकाउंटर ऑफ सी आरिश लव्ड इट। पपी दे दो। ये देखो आरिश टोटो है। ये टोटो नहीं नहीं देख रहे आंखें जब की हैं।
अब यार यू लाइक इट वो जब भी डाल I'll get a picture for you now. Oh, easy. Do it. Here you go. I'm trying. Yeah, Mama. Stop. What? I got it. You just kind of smooth this thing. It's coming around again. Mama! I like butter. Yes. Ye dekho. जी 80% जू कंप्लीट हो गया है और अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलेशिया जो प्लेस है जू और एक यूरो एशिया वाइल्ड भी है तो वो अब हम देखने लगे हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जू में कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है, इंतहाई बड़ी बड़ी स्टीप वॉक है, आगे पीछे बहुत ज़्यादा जंगलात हैं जिसमें आपको वॉक कर करके आपको दूसरे सेक्शन में जाना पड़ता है और जिस सेक्शन में आप जाएं वहाँ पे ऑलमोस्ट रेपिटेटिव थोड़े से एनिमल्स हैं, लाइक लायन आपको अफ्रीकन लायन भी मिलेगा, अमेरिकन वो भी मिलेगा और उसके अलावा क्रोकोडाइल भी आपको इस तरह मुख्तलिफ मिलेंगे कि अगर आप इतनी दूर भी आए हो इतना चल चल के 15-20 मिनट की वॉक करके भी तो आपको वो रेपिटेटिव थोड़े से एनिमल मिलते हैं तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसे यूरोप में है सारा वो जो है ना मीन्स उनका इंटरकनेक्टेड है सारे एनिमल्स और सब चीज़ें और बहुत छोटे रकबे में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रकबे में बहुत कम स्पीशीज़ हैं और ये होता है कि अगर आप जहाँ से स्टार्ट हुए हैं उन्होंने आपने वापस वहाँ पे ही आना है, कोई रिंग टाइप नहीं है कि आप इजीली वापस आ सकें बड़ी क्विकली वापस आ सकें, ये नहीं है। तो फिर आपको पूरा वही चीज़ जो आपने देखी है वो सब गुजार के आपको वापस आना पड़ता है, बस ये एक चीज़ है। वो देखो वाटर देखो, ब्यूटीफुल। वो जा रहा है केंगू। पापा लेट्स गो ईट द चिकन। ये देखें जी प्यार हो रहा है भाई से, चलो जी लेट्स गो। अनदर टर्टल वो नीचे वो देखो वो आया चलो आइस देखा यस चलो। Here it is, American Pavilion! Yeah! Yes! I did free! Yep!
जी ये कनाडा का टिपिकल हाउस है, बिग हाउस है यहाँ पे, और ख़ास ख़ास कम्युनिटी होती है, और कुछ जगह सेंट्रल एरिया में वैसे ही लंदन की तरह छोटे छोटे कंजेस्टेड हाउस हैं, लेकिन आप ये जो है शेफर्ड ईस्ट एवेन्यू है, बहुत ज़बरदस्त, और ये इधर बहुत बड़े बड़े घर हैं और बहुत अच्छा रेजिडेंशल एरिया है, खुली खुली रोड्स हैं और वैसे ही US की तरह, क्योंकि रकबा ज़्यादा है तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है हर चीज़। जी वेलकम टू डे 4 इन कनाडा टोरंटो, और आज हम डाइनोलैंड आए हैं, और यहाँ पे बच्चों को अभी डाइनो सारा इंडोर और सब चीज़ें दिखाएंगे। डाइनो किंगडम यहाँ पे खुला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त, और आज हमारा मॉल का सारा दिन है, मॉल्स देखेंगे मुख्तलिफ, क्योंकि गर्मी इधर ज़्यादा है, 28-29 डिग्री 30 डिग्रीज़ है, और अब हम उधर जा रहे हैं और लेट्स सी हाउ इट गोज। जी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर कनाडा हैं और अमेरिका, यहाँ पे हमेशा जो है ना आइटम की प्राइस फाइनल नहीं होती, उसके साथ आपको टैक्स सेपरेट बाद में भी लगाना पड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल जी, हम मॉल आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे डाइनो लैंड में चले गए हैं खेलने, और मैं यहाँ पे शॉपिंग देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ें, कि प्राइसेस ज़रा ज़्यादा हैं ड्यू टू मे बी जियोग्राफिक रीजन, कि आना जाना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़रा महंगा पड़ता होगा इनको, तो जैसे एक ट्राउज़र 25, अब ये छोटा सा क्वार्टर है जो $25 का है, ऑलमोस्ट 16-17 पाउंड्स, आई नो इट्स ब्रांडेड, लेकिन ब्रांड उधर थोड़ा सा सस्ता है, और बिल्कुल बिल्कुल सऊदीया वाली फ़ील आती है यहाँ पे, खुला खुला हिसाब किताब, ये सब डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये देखें काफ़ी बड़ी शॉप है, सेम लाइक जब आप उधर 5 रियाल वाली 10 रियाल वाली लंबी लंबी जद्दा की शॉप्स में जाते हैं, सेम लाइक इन कनाडा इन टोरंटो। जी ये क्रश ऑरेंज जूस बहुत ज़बरदस्त है, सॉफ्ट ड्रिंक, ये हमें अच्छा लगा था, माउंटेन ड्यूज और ये सब भी मिलती हैं, लेकिन ये जो क्रश है मैं ऑरेंज जूस बहुत ज़बरदस्त है, मस्ट ट्राई। जी ये ब्रेड आप देख सकते हैं, ब्रियोची की ब्रेड है, और यहाँ पे ब्रेड्स और बेसिक चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, थोड़ी तो नहीं आप सब कह सकते, 33% ज़्यादा प्राइस है, अब ये $3 की है ईच, $3 मीन्स 1.75 पाउंड की आपको एक ब्रेड पड़ती है, और वहाँ पे अंडर पाउंड आपको आराम से बहुत ज़्यादा स्टोर्स में ब्रेड मिल जाती हैं, तो यहाँ पे ज़रा बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और लाइक 33% ज़्यादा आप प्राइस कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है, और बड़ा हिसाब किताब इस किसी किस्म का। फेयर व्यू मॉल इन टोरंटो, आज हम यहाँ आए हैं उसके बाद डाइनो लैंड के बाद, लुक्स ऑल राइट, काफ़ी बड़ा है, बस यहाँ पे आप कहीं भी आप जाएं मॉल वगैरह पे तो काफ़ी फैला होता है, तो आपको चलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। यॉर्कडेल मॉल में हैं अब हम, यॉर्कडेल मॉल यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस मॉल है, और ईटन मॉल के बाद ये सबसे ज़्यादा मॉल फेमस है यहाँ पे, और बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा हाई ओपन स्पेस वाला, और सब किस्म के ब्रांड हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, और वेरी वेरी गुड। तो अभी हम ये थर्ड मॉल में हैं, आज का दिन जस्ट मॉल डे था, और बच्चों के साथ डाइनो वगैरह किया और नथिंग मच, और इसके बाद हम कल के लिए चलेंगे कैलगरी एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी कल फ्लाइट है कैलगरी की, इन कैलगरी। क्या खाया बताओ? नान खाया, बस राइस नहीं खाया? ये देखिए ब्यूटीफुल हाई स्ट्रीट है ये मिसिसागा में, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इधर आपको डिलीशियस किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, और अभी आपको मज़ीद इधर दिखाते हैं, लाइक सऊदी अरब में जैसे बहुत सी प्लेसेस हैं
बिल्कुल उस जैसा यहाँ पे ये चीज़ ओपन की है और बहुत अच्छा है। दिस वे अदर वे, चलो उधर। ये देखे बेबी अपा अपना बैग लेके खुद जा रही है। वेल डन। गेट बी 229 आ जाओ। कैनेडा पियर्सन एयरपोर्ट। जी हम अल्बर्टा आ गए हैं कैलगरी, और कैलगरी में मैंने अभी रेंटे कार ली है और रेंटे कार ने, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है अभी इस पर, और एंटरप्राइज बिल्कुल एम्प्टी है बिकॉज ऑफ सर्विस। और वो देखें है ना गाड़ी कमाल शेवरले। प्रॉपर लिविंग रूम है ये, एक्सीलेंट। ये किचन है सारा, नीचे ग्राउंड फ्लोर में। हाँ ये दो रूम आपके होंगे, दो हमारे, इतना कुछ है। ऐसे सारा सेटअप होगा, ये दो, ये भी, ये दो। ऊपर उसने कुछ लिखा हुआ है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है ऊपर भी। हेलो बेबी, यू लाइक दिस हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, आप देख सकते हैं। यस होटल, आपके लिए तो होटल है ना, लेकिन असल में तो ये हाउस है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त कैनेडियन बैकयार्ड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट इन कैलगरी अल्बर्टा, जहाँ पे -50 पे भी चला जाता है टेम्परेचर, -30 पे जाता है, और ब्यूटीफुल। जी हम फेमस वॉलमार्ट में आए हैं, यहाँ पे अल्बर्टा कैलगरी में है, और हमें टोरंटो में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और बहुत ही बड़ा ये देखें शॉपिंग मॉल है, एक किस्म का शॉपिंग मॉल ही समझ लें, सुपर स्टोर है वॉलमार्ट। और हम वही अभी फ्रूट सेक्शन में हैं, तो ये कंट्री बड़ा है तो यहाँ पे सुपर स्टोर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और वेरी गुड, बहुत अच्छी वैरायटी भी है। और आप जैसे फल देख लें, हर चीज़,
थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एवोकाडोज़, देख लें 1.67, उधर 1 पाउंड के आपको 3 एवोकाडोज़ मिल जाते हैं और यहाँ पे एक एवोकाडो $1.67 का है। तो ये ज़रा सी प्राइस ऊपर है, ग्रॉसरी बेसिक जैसे मैंने पहले आपको बताया था हर जगह वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और बाकी सब जो है ये बहुत ज़बरदस्त वॉलमार्ट, जब भी आप आएँ वॉलमार्ट ज़रूर देखिएगा। जी अनदर डे इन कैलगरी टोरंटो, और आज हम बांफ जाएंगे और बांफ के साथ आज हमारा लेक लुइस का भी प्लान है। तो बहुत ज़बरदस्त वेदर है, वेरी हॉटी हॉट वेदर, और आपसे नेक्स्ट जल्द ही मिलते हैं। फाइनली वी आर हेयर इन बैंफ लेक लुइस पे, अभी हमने जाना है। ये देखें ब्यूटीफुल विलेज, लवली विलेज।
You don't call it this. You don't call it Which place it is? Waterfall. Waterfall, Aji. Yeah, place. जी सिग्नल्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुकदान है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जब भी बैंफ आप आएँ कनाडा में, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रास्ते पे आपको सिग्नल ही नहीं मिलेंगे, तो आपको स्पेशली वो देखना पड़ेगा। अगर आपने किसी से बात करनी है कुछ भी, कि जहाँ सिग्नल आ रहे हैं उधर आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा और वहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब जैसे मैं इधर फॉल में हूँ, ये टकैको फॉल है, ये बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो बिल्कुल। तो बस दोस्त का वेट कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं आता तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा, और खुद हमें वो फिर मैं बाद में उसे कांटेक्ट करके कह दूँगा कि डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। वी हैव अ लवली डे, बांफ में गए आज एंड लेक लुइस गए एंड लवली लवली वेदर था, और अब हम बिल्कुल टायर्ड हो गए हैं। और वॉलमार्ट अब हम जा रहे हैं, वन ऑफ़ दी बेस्ट सुपर स्टोर, और यहाँ पर अब थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। Another day in Canada, और आज हम Edmonton जा रहे हैं। आधा सफ़र ऑलरेडी हो चुका है, आधा रह गया है, और अब हम Walmart सर्विसेज के लिए रेस्ट करने थोड़ा सा। और काफ़ी बड़ी Walmart है यहाँ पे, आइसक्रीम भी लेंगे, वेदर बहुत गर्म है, वो ले के फिर हमने वापस डेढ़ घंटा चलना है। Well done, excellent, yeah, और faster, जोर से, ए उई 100 पे, well done, ऐसे आयश को भी दो, आयश भी करे, wow, well done baby, come on, yeah, और ऊपर फेंको, ओ वापी आ गया, कीपा कीपा, yeah, well done baby. बेबी ने स्टार्ट की काश, वाओ वेल डन।
जी वॉलमार्ट यहाँ पे सबसे रीज़नेबल प्राइस है बाकी सब कैनेडा के सुपर स्टोर में। और आप इधर देख सकते हैं अंडे वगैरह बेसिक चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, 3 गुना ज़्यादा महंगी हैं। ये देखें अब 6.8 के आपको अंडे मिल रहे हैं ओमेगा 3 लार्ज, और इसमें वाइट एग्स हैं, ये लाइक फ्री रेंज भी नहीं है। और $6.18 लाइक 4 पाउंड के आपको अंडे मिल रहे हैं 12, बहुत बहुत महंगे हैं। वहाँ पे तो ये चीज़ आपको 2 पाउंड 3 पाउंड में मिल जाती है, फ्री रेंज है आपको इतने अच्छे मिल जाते हैं प्राइस में 3 पाउंड में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ का इशू है। और आपको दही भी दिखाते हैं, दही का भी यही हिसाब है लाइक हाँ $6 और इन सब चीज़ों में सारा दही है। और मैं आपको अभी दूध भी दिखाता हूँ, दूध जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट बॉटल्स में आता है। और ये देखें 9.48 5.78 का दूध होता है, ये देखें। और ये भी सेम 4 लीटर होता है, जो वहाँ पे भी बोतल मिलती है 3.3 लीटर की बोतल मिलती है, लेकिन यहाँ पे 9.48 का मिलता है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 6-7 पाउंड्स का आपको पड़ेगा। और वहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग का है, इवन अभी थोड़ी सी महंगाई उधर हुई है फिर भी 2.15 का आपको बोतल मिलती है पूरी। तो UK इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल इन ग्रोसरी ऑल इन ऑल, आइसक्रीम और ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें बहुत सस्ती हैं उधर। जी बैंफ हम आ गए हैं, और बैंफ में पार्किंग बिल्कुल फ्री है और फ्री पार्किंग। और आज वेदर भी 30 डिग्रीज़ है, बहुत ज़बरदस्त वेदर है। और ये मैंने अपनी गाड़ी अभी भी खड़ी की है, और अब हम आगे ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से बहुत अच्छा टाउन सेंटर है, वो सारा देखना है, बहुत आगे नेचुरल ब्यूटी है। तो लेट्स गो, बैंफ टाउन सेंटर में हम हैं इस टाइम, और अब आगे जाने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आगे हैं, मौसम ज़बरदस्त है। जी अभी हम बांफ पे आए हैं, और ये IGA स्टोर है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोसरी वगैरह के लिए IGA, जैसे उधर मैग्रोस होता है स्विट्ज़रलैंड में, और इस तरह ये IGA है। यहाँ पे आपको किटकैट जो है सब चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, चॉकलेट्स यहाँ महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप, $13 की यहाँ पे आपको चॉकलेट इतना सा डब्बा मिलेगा, और वहाँ पर ये 1.5-2 पाउंड का आपको ईज़िली मिल जाता है। तो लैम्प वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, वेरी वेरी गुड वैरायटी। ब्यूटीफुल वेदर, ये देखें जी आरिश कहाँ खड़ा है बैंफ में। Beautiful. ये देखे जी जफ्फी डाल के बैठा है, ये देखे बियर से पार आ रहा है, ये आरिश भी आया, आरिश ने भी बियर देखा, दोनों बियर देख रहे हैं, यू लाइक इट। ये देखे आरिश भी हगी कर रहा है, ये देखे आरिश भी हगी कर रहा है, हगी
दुबई की आयश पपी दे लो आयश, ये देखें आयश लव्ड इट। हम हैं और तकरीबन हमें यहाँ पे 2 घंटे और रहेंगे। बहुत अच्छी मार्केट है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बांफ माउंटेन है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, 30 डिग्रीज़ है, वेरी वेरी रेयर इन बांफ। बांफ ऐसे -60 -50 टेम्परेचर पे होता है और आज देखें बिल्कुल 30 डिग्री है यहाँ पे। और पीछे देखें बहुत अच्छे स्विनियर शॉप्स बनाई हुई हैं और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, कैफेज हैं, हलाल फूड भी है, एवरीथिंग। बेहतरीन कप यहाँ से एक स्विनियर लिया है बांफ का, ज़बरदस्त, वेल डन, ब्यूटीफुल प्लेस। सवेरे सवेरे कपड़ों पे अपने चंदन की खुशबू रगड़ के, कड़क धूप सर पे चले हम तो घर से मोहब्बत की गाड़ी पकड़ के। ये देखे बेबी क्या कर रहे हैं, लॉन मूवी, ये देखे लॉन मूवी। Are you ready, babies? जी ये देखें हेक्टर लेक है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हम आगे जाके देखा है हमने, लेकिन कोई फैसिलिटीज़ नहीं बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल है। तो अब लिटरली ये जंगल है, यहाँ से ऊपर नीचे जा जा के बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। तो हेक्टर लेक एक खूबसूरत लेक है, लेकिन ज़रा सी अगर ये रोड बना देते, ज़रा सा ये पाथवे बना देते तो कितना अच्छा हो जाता। ये डिवेलपमेंट का यहाँ पर बहुत फुकदान है कैनेडा में, जो आपको स्विट्ज़रलैंड में ईज़िली दिखी जा सकती है। Beautiful lake. Bowling. आरिस, ये आरिस कहाँ फिर रहा है? पैनोरामिक ब्रिज में। ये कहाँ आया है? कनाडा। ब्लैक ओलेक। ये देखे जबीर भी, ये तां बैठा है जबीर।
जी लेक प्लेको आपने देखी, वो अब हमने विज़िट की है और अब कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको शटल के थ्रू जाना पड़ता है, लेक मुरैन भी और लेक लुइस भी। तो ये बहुत बड़ा एक इधर इशू है, पैसे कमाने का एक नया धंधा है कि आपको हमेशा यहाँ पे वाया शटल ही आप जाओगे और पार्क आप गाड़ी कहीं खड़े खड़ी करोगे और उसके बाद शटल आपको ख़रीदनी पड़ेगी जो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, $75 अडल्ट और समथिंग। सो और वैसे नहीं मिल रही, फुल बुक है शटल। तो अब हम ट्राई करेंगे किसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ें, वो हमें शायद लेक मुरैन दिखा दे अगर अवेलेबिलिटी आज हो की हुई, अगर नहीं होगी तो इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, हमने वैसे ही ये सब लेक्स देख चुके हैं। हेक्टर लेक, हेक्टर लेक यहाँ पे बहुत खूबसूरत लेक है ये देखें, बट डेवलपमेंट यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कोई रोड नहीं जाती, कुछ भी नहीं जाती, बस दूर देख के आप खुश हो सकते हैं। हेक्टर लेक
जी आज लास्ट डे है इन कैलगरी और चिनोक सेंटर में हम आए हैं शॉपिंग मॉल। ये यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है कैलगरी का और ये मैं आपको देखें बिल्कुल बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और ये आज हम विज़िट करेंगे। हमारी फ़्लाइट तकरीबन है 3 घंटे बाद, 3 घंटे से भी ज़्यादा है, 4.5 घंटे 5 घंटे है, तो इधर 1.5-2 घंटे हम यहाँ पे रहेंगे। कुछ शॉपिंग करनी होगी तो कर लेंगे तो, और साथ एक्सप्लोर करते हैं मॉल। कैलगरी का हमने कोई मॉल नहीं देखा था। फिर हम वापिस टोरंटो जा रहे हैं, टोरंटो में हमारे 4 डेज हैं, तो सी यू देयर। नियाग्रा फॉल जाते हुए नियाग्रा फॉल ऑन लेक में के रास्ते में आपको ये बहुत खूबसूरत बड़े बड़े अंगूर मिलेंगे और आप देख सकते हैं इसी अंगूर से ये वाइन बनाते हैं और ये इनकी कुदरती यहाँ पे पैदावार है। लवली नियाग्रा फॉल टोरंटो का टॉप प्लेस है, टॉप अट्रैक्शन है और हमें तो वही सबसे अच्छी लगी। और उसके आसपास डे लाइफ एंड नाइट लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त है, एवरीथिंग बहुत कैफ़ेज़ एंड बहुत फैसिलिटीज़ हैं जस्ट लाइक यूरोप, और काफ़ी ज़्यादा लाइवली प्लेस है। और मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है और मेरा बेबी है, दोनों फ्रेंड बन गए थे और मुझे तो भाई बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे। नियाग्रा क्रूज़ का हमने प्लान बनाया और हम चल पड़े। नियाग्रा क्रूज़ वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग और लवली एक्सपीरियंस है, मस्ट डू। जी बोट चल पड़ी है, ये US वाला नियाग्रा फॉल है और वो है कनाडा का नियाग्रा फॉल।
आलीश ये देखे बेबी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। और येलो बेबी येलो शीट में बैठ रहा है, येलो शर्ट येलो शीट। वाह, आयश आयश का घर है भाई, आयश गुगू पी रहा है भाई। हम जा रहे हैं गैनक क्रूज पे और ये थाउजेंड आइलैंड की पूरी ट्रिप करवाएगा। Gather on the dock, pile supplies in the boat, and head out to our island for the summer. M'assoya sur ses genoux. La plus belle île et le chalet le plus fantaisiste ne vous feront aucun bien sans un voilier, un hotbox, un kayak, un bateau à rame ou autre chose. Bien sûr. Both are rare in Canada. The Thousand Islands is one of the few places they grow wild. They have other things in common. Pitch pines and deerberry are easily crowded out by other plants, and they're both fire tolerant. Suppressing fires actually hurts them. These Clonobot's largest financial creditor, holding one fifth of its. Baby, gone it. Canada? It is also Pakistan. Toronto. Top. Yeah. Forgiveness. Yeah, Pakistan could negotiate a write down one on one. There is also a qualitative difference since the Chinese. Aaj hum Dino Land ja rahe hain. Come on, Tiger, chaka maar do. Yeah.
उधर लाओ वो देखो। ये व्हील कहाँ जा रही है? आइसलैंड आई है व्हील। जी हम कहाँ पे हैं? आइसलैंड में। कहाँ पे? आइसलैंड। 5 o'clock इन द इवनिंग, सॉरी इन द मॉर्निंग, और 3 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से अब लंदन की।